हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज सी ए फाइनल एस एफ एम और सी एस प्रोफेशनल एफ टी एफ एम के लिए एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें मुझको काफ़ी जगह ना यार नाम आता है। हेजर्स, आर्बिट्रेजर्स, स्पेकुलेटर्स और 5 नंबर का शॉर्ट नोट भी है। तो बस अब हम वही करने वाले हैं कि हेजर्स क्या होता है, स्पेकुलेटर क्या होता है, आर्बिट्रेजर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमको समझना। एग्जाम्पल के साथ समझते हो, ज़्यादा मजा आएगा। एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मान लो बेटे, ये एक विलेज है, ठीक है, और इस विलेज में बहुत सारे किसान हैं। सर ठीक है, ये एक विलेज, बहुत सारे किसान फार्मर्स, ठीक है सर, बहुत सारे किसान हैं। काम क्या करते बेटे? इन्होंने ना फसल लगाए हैं, क्रॉप्स, और गेहूं की खेती करते हैं। वेट, इट मीन्स कि गेहूं की क्रॉप। सर तो ठीक है, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि जो फसल अभी लगी है वो आएगी 3 महीने बाद, और अभी जो वेट है वो चल रहा है 50 रुपए पर केजी, ₹50 पर केजी। तो ये जो फॉर्मर्स है ना, इन लोगों को ना डर है कि यार अभी तो 50 रुपए चल रहा है, 3 महीने बाद अगर रेट 50 ना हुआ, हो सकता 20 रुपए केजी हो जाए, तो हमारा तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा बेटे। बड़ी चिंता है, और चिंता इस बात की नहीं, फसल का जो होगा होगा, जो वीट की क्रॉप्स हो वो 3 महीने बाद जब वीट मिलेगा उस समय तो 50 रुपए पर केजी होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम। अब ये डर है, परेशान है। अब परेशान है तो एक और है सर, क्या नाम है, ये एक फॉर्म है सर, ये क्या है बेटे, ये बैकरी फॉर्म। और बैकरी फॉर्म को ना, बैकरी फॉर्म है तो पक्का है इनको गेहूं लगता होगा, यस, बिना वेट के तो काम हो नहीं सकता, तो इनको भी डर है। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 50 रुपए पर केजी। अब इनको डर है कर कहीं 3 महीने बाद जो गेहूं है उसका रेट बढ़ ना जाए, इनको डर है कि बढ़ ना जाए, इनको, इन फॉर्मर्स को डर है कि 3 महीने बाद रेट कम ना हो जाए, दोनों डरे हुए हैं। तो क्या होता है, क्या दोनों आज ही के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले? और कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फॉर्मर्स है, जो किसान लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज का? कि हम बेच देंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। और बेकरी फॉर्म किस चीज का? कि हम खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। क्या खरीद लेंगे? वीट। कब खरीदेंगे? 3 महीने बाद। और कितने के हिसाब से खरीदेंगे? मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 50 रुपए के हिसाब से, टेंशन खत्म, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो खरीदना ही पड़ेगा। इनका टेंशन खत्म, किसानों का टेंशन इसलिए खत्म क्योंकि उनको मालूम कि 50 रुपए के हिसाब से बिक जाएगा। और इसका भी, बेकरी फर्म का भी टेंशन खत्म क्योंकि उसको मालूम है कि यार रेट कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तो 50 के हिसाब से मिलेगा, मुझे जरूरत है और वो मुझे 50 के हिसाब से मिल जाएगा। सर तो इन लोगों का नाम क्या है बेटे? इनका नाम होता है, इसका नाम है हैचर्स। और सर ये इनका नाम, इनका भी हैचर्स है। हैचर्स का मतलब हैच कर रहा है, जो रिस्क है ना, रिस्क, इनको किस बात का डर है? डर रिस्क, कहीं रेट बढ़ ना जाए, तो उस डर से बचने के लिए उन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ जी 50 रुपए के हिसाब से दे देना। इट मीन्स मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या इनको पहले से कोई डर था? यस, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। सर क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने? टू रिड्यूस रिस्क, और इस रिस्क से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया? कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, ठीक है। तो अगर मैं कहूं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टिसिपेट, कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 3 प्लेयर्स होते हैं। अभी जिसका नाम लिखा मैंने, क्या लिखा? हेजर्स।
तो हेजर्स का मतलब रिस्क को अवॉइड करने के लिए अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, रिस्क को अवॉइड करने के लिए, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? हेजर्स। यहां तक बात समझ में? सर ठीक है, ये हेजर्स है और ये भी हेजर्स है, और ये स्पेकुलेटर क्या होता है समझना बेटे? एक पर्सन है और ये देख रहा है कि यार यहां तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और बेकरी फर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 50 रुपए का खरीद लूंगी, और ये फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आपको 50 का बेच देंगे, और ये एक पर्सन है और इसको लग रहा है यार बेकार की बात है, ये बेवकूफ है जो फार्मर्स से, जो किसान लोग, ये बेवकूफ है, गेहूं का रेट, वीट का रेट तो 50 रुपए से ऊपर बढ़ेगा आने वाले 3 महीने में, जो कंडीशन है, जो बारिश होगी, पूरा के पूरा अनुमान लगा रहा उस हिसाब से 50 रुपए नहीं तो 70-80 रुपए पहुंचेगा, ये 50 रुपए में बेचने का आखिर कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहा है? इसको कोई रिस्क नहीं है, इसको कुछ चाहिए भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी ये सोच रहा है यार ये तो बेवकूफ है 50। तो ये गया इन लोगों के पास, फार्मर्स के पास, और बोला सुनो आप इन लोगों के साथ 50 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्यों ना मेरे साथ भी करो, आपको दिक्कत क्या? आपको तो 50 रुपए में बेचना है, चाहे आप इनको बेचो चाहे आप मुझे बेचो, क्या फर्क पड़ रहा? किसान लोग तैयार हो जाएंगे कि ठीक है क्या फर्क पड़ रहा, इसको कोई लग नहीं रहा है, पर ये तो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच हो रहा, इट मीन्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और इसने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया? सर इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। सर क्या इसको किसी टाइप का रिस्क था? नहीं बेटे, नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। सर तो इसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? इसको मालूम है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं 50 के हिसाब से और 3 महीने बाद रेट पक्का बढ़ेगा बढ़ेगा, तो 50 का हो जाएगा 70 रुपए हो जाएगा, तो मैं 50 का खरीद लूंगा और 70 रुपए का बेच दूंगा। इट मीन्स जो इसने एंटर किया है, इसने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में टू अर्न प्रॉफिट। और सर एंटर क्यों किया है, कैसे पता, किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन, इसको लग रहा है तो इसलिए इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, उस हिसाब से 50 का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 50 का इसको मिलेगा ही मिलेगा और फिर ये महंगे में बेच देगा। इट मींस इसने प्रॉफिट कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन हेजर्स ने रिड्यूस रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है सर, सर इसको लॉस भी हो सकता? हाँ बेटे, अगर 50 का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, किस्मत खराब, रेट 20 रुपया हो गया, तो इसको 20 रुपये, इसको तो लॉस हो जाएगा, 20 का बेचना पड़ेगा मार्केट में, तो क्या लॉस पॉसिबल है? यस, लॉस पॉसिबल। ठीक है सर, तो इसका नाम क्या? इसका नाम है स्पेकुलेटर। इसका नाम लिखते हैं स्पेकुलेटर्स। तो अभी दो लोगों के विषय में समझा, हेजर्स और स्पेकुलेटर्स। हेजर्स कौन होता है? हेजर्स वो होता है जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्क है और वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका नाम होता है हेजर्स। वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेचने का भी कर सकते हैं। स्पेकुलेटर्स कौन होता है? स्पेकुलेटर्स वो लोग होते हैं जो अनुमान लगाते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार हम इस रेट पे खरीद लेंगे और जो महंगा होगा तो हम बेच देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए एंटर करते हैं। ठीक, कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता है। अच्छा, प्रॉफिट किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? प्राइस एक्सपेक्टेशन, को जो लगता है ना उसके हिसाब से। क्या सर लॉस हो सकता है? यस, इसका नाम क्या है? स्पेकुलेटर्स। और एक पर्सन है, बस खत्म। सर ये कौन है बिट्टे? ये बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी है, इसने जगह जगह अपने आदमी फैला रखे हैं, और दूसरा गांव है बेटे, दूसरे गांव में भी ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां भी ये फार्मर्स है, एक और गांव है, और वहां भी एक बेकरी फर्म है, बेकरी फर्म, और यहां जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, ये 60 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है। इस गांव में कॉन्ट्रैक्ट 50, इस गांव में कॉन्ट्रैक्ट 60। अब ये देखो ये काम क्या करता है, ये बोलता अच्छा
ये किसान लोग 50 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो बेकरी फार्म 50 के हिसाब से खरीद रही है। यहां जो फार्मर्स है, यहां कॉन्ट्रैक्ट किसके हिसाब से चल रहा है, 60 रुपए के। तो ये अब एक चाल चलता है, इन लोगों के पास पहुंचता है और इन किसानों से बोलता, क्या आप हमको 3 माह बाद, जैसे आप इनको 50 का बेच रहे हो, इनको 50 का, तो मुझे भी 50 का बेचो। तो इसलिए यहां कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कितने के हिसाब से, 50। 50 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब कंफर्म है 3 महीने बाद तो यार 50 के हिसाब से मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरे गांव पहुंचा और यहाँ बेकरी फर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 60 के हिसाब से। तो ये बेकरी फर्म के पास गया, बोलता बेकरी फर्म एक बात बताऊं, आप इनसे 60 के हिसाब से खरीद रहे हैं? बोले हाँ। तो मुझसे खरीद लो, आपको तो खरीदने से मतलब है, आप इनसे खरीदो या मुझसे। बेकरी फर्म यहाँ भी तैयार हो गई और यहाँ और एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कितने रुपए में, 60 रुपए। इस पर्सन ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए कि 3 माह बाद मैं आपसे खरीद लूंगा 50 के हिसाब से, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट किया बेकरी फर्म के हिसाब से कि मैं बेच दूंगा आपको 60 के हिसाब से। क्या इसको लॉस हो सकता? लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 50 का मिलेगा कंफर्म है, 60 का बेचेगा ये भी कंफर्म है। इसका नाम क्या है सर? बेटे इसको बोला जाता है आर्बिट्रेजर्स। 3 प्लेयर्स होते हैं, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स। सर आर्बिट्रेजर को क्या पहले से कोई एक्सपोजर था, जैसे बेकरी फर्म को गेहूं चाहिए था? नहीं बेटे, नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, पहले से कोई डर वर था नहीं। तो सर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों किया? लॉस को कम करने के लिए कि प्रॉफिट कमा? बेटे प्रॉफिट कमाने के लिए, टू अर्न प्रॉफिट। सर किस बेसिस पे? एक्सपेक्टेशन। बट एक्सपेक्टेशन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग। सर मिस प्राइसिंग का मतलब एक जगह अलग प्राइस चल रही है, दूसरी जगह अलग प्राइस चल रही है, इसको बेस लेके वो प्रॉफिट कमा लेगा। सर इसको लॉस हो सकता कि? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 50 में खरीद के 60 में दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉस नॉट पॉसिबल। सर तो ये आर्बिट्रेजर 2 कॉन्ट्रैक्ट करेगा? यस, एक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट और एक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, साइमल्टेनियसली 2 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। खैर वो तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, अभी 3 बातें। एक कौन होता है? हेजर्स। हेजर्स क्यों आता है एंटर में? क्या उसका एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है? यस, और वो उस रिस्क को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आता है। स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेटर्स रिस्क को कम करने के लिए एंटर नहीं करता, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको लगता है एक्सपेक्टेशन, उस बेसिस पे काम करता, इसका कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता। आर्बिट्रेजर, आर्बिट्रेजर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करता ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेगा। क्या इसको लॉस हो सकता? लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस इतना ही है आज के लिए, और सिंपल है बेटे लेकिन काम आती है, शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं SFM में और FTFM में। थैंक यू।